हेलो प्यारे बच्चों बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 है ना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के चार प्रश्न कर लिए थे बेटा। हमने कितने कर लिए थे? चार क्वेश्चन कर लिए थे। अब पांचवा प्रश्न है ना। तो देखो, ये पांचवा प्रश्न है आपका। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए निम्न दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए, है ना। तो देखो बेटा, इस आकृति 4.6 के लिए है ना ये समीकरण दे रखे हैं, है ना, और इस वाली आकृति के लिए हमको ये समीकरण दे रखे हैं, है ना। तो हमें ये देखना है कि ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, ये इनमें से किस समीकरण की है। आई ना समझ में, है ना। यानी ये जो आरेख है, ये इनमें से किस समीकरण का आरेख है, ये हमको बताना है ना। तो अब देखो बेटा कि ये जो आरेख है ना, देखो ये कितने बिंदुओं से गुजर रहा है। देखो, एक तो ये रहा -1 1, है ना, x बराबर -1 और y बराबर 1 से गुजर रहा है। एक ये 0 0 से गुजर रहा है, और एक किससे गुजर रहा है, ये 1, -1 से, है ना। तो ये जो आरेख है ना, ये कितने बिंदुओं से गुजर रहा है? तीन बिंदुओं से, है ना। ऐसे ही देखो बेटा, ये जो आलेख है, ये जो ग्राफ है, ये कौन कौन से तीन बिंदु दे रखे हैं इसमें? -1, 3, यानी x बराबर -1 है, y बराबर 3 है, और ये 0, 2 है, ये वाला बिंदु, है ना। x बराबर 0 है, y बराबर 2 है, और एक ये वाला बिंदु है, x बराबर 2 है, y बराबर 0 है ना। तो अब हम क्या करेंगे बेटा कि इन बिंदुओं को इन समीकरणों में रख के देखेंगे, है ना, कि अगर ये समीकरण इस रेखा का समीकरण होगा तो ये जो बिंदु हैं इस रेखा के समीकरण को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। अगर ये तीनों ही बिंदु है ना इस रेखा के समीकरण द्वारा संतुष्ट हो रहे हैं तो यही इसका समीकरण होगा, और अगर ये संतुष्ट नहीं हो रहे, है ना, तीनों संतुष्ट नहीं हो रहे, तो ये इसका समीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान है। देखो, मैंने ये यहाँ लिख लिया। अब मैं बिंदुओं को लिख लेता हूँ। देखो, तो इसके तीन बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं? -1, 1, एक दे रखा है 0, 0, और तीसरा बिंदु दे रखा है 1, -1, है ना। ऐसे ही इसके, देखो यहाँ दे रखे ना, इसके बिंदु मैंने अभी दिखाए थे आपको। इसके बिंदु क्या है बेटा? इसके हैं -1, 3, दूसरा है 0, 2, और तीसरा है 2, 0, ठीक है ना। अब इनमें रख रख के देखेंगे हम, ठीक है ना। तो देखो बेटा, पहले मैंने ये रखा है ना, इस समीकरण को लिया y इक्वल टू x को, है ना। तो -1, 1 रखूंगा मैं, है ना। तो y इक्वल टू x में क्या रखा मैंने? x बराबर -1 रखा, है ना। तो y बराबर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना। x बराबर -1 रखने पर y बराबर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 आना चाहिए। x बराबर 1 रखने पर y बराबर -1 आना चाहिए। तो देखो, इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा? x बराबर -1 रखा तो x बराबर -1, तो यहाँ y बराबर क्या आ गया? -1 आ गया, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना। तो देखो, ये तो ठीक है कि 0 0, x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 0 आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो बिंदु है, ये इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा, ना ही इसको करेगा। देखो, x बराबर जब आप 1 रखोगे तो y बराबर क्या आएगा? 1 आएगा, जबकि y बराबर क्या आना चाहिए? -1। तो इसका मतलब ये इसका समीकरण नहीं है, नो, ठीक है, ये इसका समीकरण नहीं है। हमको तो ये देखना है कि कौन सा है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट का कर लिया मैंने। अब सेकंड का करके देखूँ। सेकंड क्या है बेटा? x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसमें तीनों को रख रख के देखूंगा, है ना। तो देखो, ये रख के देखा -1, 1, x बराबर -1 रखा और y बराबर 1 रखा, तो -1 + 1 = 0, है ना। तो देखो, ये 0 आ गया, 0 = 0, ये कर रहा है, संतुष्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब अगले को रख के देखूंगा मैं, है ना, क्या रखूंगा? 0 0 रखा, तो 0 + 0, x बराबर 0 रखा और y बराबर भी 0 रखा, तो 0, तो ये भी ठीक है ना। फिर इसको रखूंगा 1, -1 को, है ना, तो ये 1 + y की जगह -1 = क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो 1 + -1 = 0, तो 0 = 0, इसका मतलब ये संतुष्ट हो रहा है। तो यही क्या है बेटा? इसका समीकरण है ना। देखो, ये नहीं करेगा, है ना, क्योंकि y = 2x है। देखो, इसको जब आप रखोगे, है ना,
एक्स बराबर माइनस वन रखोगे इसमें तो 2 गुणा -1 क्या आते, -2 आते, तो वाई का मान -2 आना चाहिए, जबकि क्या आ रहा है इसमें, 1 आ रहा है, तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा, नो। ऐसे ये भी संतुष्ट नहीं करेगा, देखो एक्स बराबर जीरो है ना, एक्स बराबर -1 रखा मैंने इसमें, क्या रखा, एक्स बराबर -1 रखा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 गुणा -1 -7 हो जाएगा, है ना, तो माइनस के 7 और ये प्लस के 2 इधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के 2, तो माइनस के 7 और माइनस के 2 कितने हो गए, -9, तो 3y = -9, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -9 में जब 3 का भाग दोगे तो 3 आ जाएगा, -3 आ जाएंगे, तो ये भी इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है ना, तो कौन सा समीकरण सही है बेटा इसमें, सेकंड, है ना, तो सेकंड विकल्प जो है सेकंड वाला ये सही है, ठीक है। अब इस वाले का देखो बेटा, है ना, बस अब इन तीनों बिंदुओं के समीकरण को इसमें रख रख के देखेंगे हम, ठीक है ना, इन तीनों बिंदुओं के समीकरणों को, इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांकों को इन समीकरणों में रख के देखेंगे, है ना। तो देखो पहला है y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू x प्लस टू, है ना। तो अब आपने इसमें क्या रखा, x बराबर क्या रखोगे बेटा, -1 रखोगे, है ना, तो देखो ये हो गया -1 + 2, तो y बराबर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना, तो क्या आ रहा है बताओ, है ना, देखो y बराबर x + 2 में रख रहा हूँ मैं, है ना, तो x की जगह -1 रखूंगा, तो y बराबर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, है ना, तो देखो x बराबर -1 रखा तो -1 और प्लस के 2 क्या हो गए, प्लस का 1 हो गया वाई बराबर, तो ये नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये नो, ये नहीं कर रहा ना इसको संतुष्ट, ठीक है ना बेटा। अब अगले वाले को देखो, सेकंड वाले को इसमें रख के देखा, y इक्वल टू क्या है, x - 2, है ना, तो देखो x बराबर क्या रखा मैंने, -1 रखा, तो -1 और ये क्या है, -2, तो क्या हो गया, -3 आ गया, क्योंकि ये क्या आ रहा है, प्लस के 3 आ रहा है, ठीक है ना। तीनों को कर करके देखना है हमको, अगर माना ये संतुष्ट हो जाता है, ये भी हो जाता है, तो इसको भी देखेंगे करके, यानी तीनों ही संतुष्ट होने चाहिए, तो ये संतुष्ट नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब इसको करके देखेंगे बेटा, y बराबर क्या है, y बराबर है -x + 2, है ना, तो देखो सबसे पहले तो x बराबर -1 रखा मैंने, देखो माइनस तो सूत्र में है और x की जगह -1 रखा, +2, तो -1 हो गया और ये +2 क्या आ गया, 3 आ गया y बराबर, देखो ये संतुष्ट हो रहा है ना, x बराबर -1 रखने पे y बराबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, है ना। फिर मैं रख के देखूंगा 0, 2, है ना, वापस से समीकरण लिख लिया मैंने, x y बराबर -x + 2, तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो -0 + 2, तो क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये भी संतुष्ट हो रहा है। अब तीसरे वाले को 2 0 को रख के देखूंगा, इसमें y बराबर क्या है बेटा, -x + 2, तो y x बराबर क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, है ना, तो ये क्या हो गया, देखो -2 और +2, तो क्या आ गया, 0, देखो ये तीनों ही संतुष्ट हो रहे हैं, तो ये क्या है, यस, इसमें नहीं आएगा ये, ठीक है ना, इसको करके देखोगे तो ये नहीं आएगा। देखो तो इस फर्स्ट वाले में सेकंड वाला विकल्प सही है, और दूसरे वाले आकृति 4.7 के लिए तीसरा विकल्प सही है, ठीक है ना, है ना, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम, 6 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है बेटा, देखो ये कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, ठीक है ना, पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है ना, ऐसे समझो माना ये कोई एक पिंड है बेटा, ठीक है ना, ये एक धरती की सतह पे रखा हुआ है, एक टेबल पे रखा हुआ है, ऐसे मानो आप, है ना, ये क्या है, कोई एक पिंड है ना, और इस पे मैं बल लगा रहा हूँ एफ, तो क्या होगा बेटा, ये खिसक जाएगा ना, है ना, यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें हो जाएगा, तो माना यहाँ पे था और अब ये यहाँ पे पहुँच गया, तो ये दूरी हो गई, ये क्या हो गई बेटा, दूरी हो गई, ठीक है ना, तय की गई दूरी हो गई, तो इस बल लगाने से इसमें क्या पैदा हो रहा है ना, विस्थापन पैदा हो रहा है, दूरी चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये, है ना, और फिर जब ये बल द्वारा जब ये चलेगा पिंड, है ना, तो ये कार्य होगा, क्या होगा बेटा, एक कार्य होगा, बस अभी आप इतना सा समझ लो इसमें, है ना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है ना, यानी जो कार्य है वो दूरी के अनुक्रमानुपाती है ना, और ये बल क्या है, अचर है,
एफ जो है क्या है बेटा, ये अचर है यानी कांस्टेंट है, फिक्स है ये, ठीक है ना, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो जो किया गया कार्य है डब्लू है ना, वो किसके समानुपाती है, डी के। देखो ये समानुपाती का चिन्ह होता है बेटा, है ना, कार्य डब्लू वर्क है ना किसके समानुपाती है, डिस्टेंस के, है ना, दूरी के समानुपाती है, ठीक है ना। अच्छा अब क्या कह रहा है, देखो बेटा ये कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। इस कथन को हमें क्या करना है, दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना। तो दो चर क्या हो जाएंगे बेटा, एक तो ये दूरी हो गई और एक क्या हो गया, कार्य हो गया, क्योंकि बल तो फिक्स है, अचर है ये। तो इसे दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल पांच मात्रक लेकर, है ना, यानी एफ को कितना ले लेंगे, पांच, पांच मात्रक। एफ को क्या ले लिया मैंने, पांच मात्रक ले लिया। तो बल को पांच मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए, है ना। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी दो मात्रक और जीरो मात्रक है तो आलेख से किया हुआ कार्य भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो बेटा बहुत आसान प्रश्न है, है ना। अब ऐसे समझो आप कि ये जो कार्य है ना, कार्य को मैं वाई मान लेता हूँ, है ना, कार्य को तो क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ, और दूरी को क्या मान लेता हूँ मैं, एक्स मान लेता हूँ। तो देखो वाई किसके समानुपाती है, एक्स के, है ना। और जब समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है और वो मैंने मान लिया एफ बल है ना, एफ एक्स। तो वाई बराबर क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, है ना। देखो कार्य किसके समानुपाती है, दूरी के, समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो बराबर लगता है ना, और जब बराबर लगाएंगे तो एक नियतांक आ जाता है और वो नियतांक हमने क्या दे रखा है, हमको बल दे रखा है, वो एफ दे रखा है। तो वाई बराबर क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। अब एफ बराबर पाँच भी दे रखा है आपको, तो वाई बराबर क्या हो गया, पाँच एक्स हो गया, है ना। तो यही क्या है बेटा, एक रेखा का समीकरण बन गया, नहीं बन गया ये, वाई बराबर पाँच एक्स कह दो इसको, या वाई माइनस पाँच एक्स बराबर जीरो कह दो। तो एक चीज़ तो इसका, एक आंसर तो ये हो गया, है ना, कि इसको दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिए, नहीं व्यक्त कर दिया हमने, यानी x और y क्या हो गए, दो चर हो गए। तो इन दो चरों के रूप में हमने इसको क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद क्या कह रहा है ये, इसके बाद कह रहा है बेटा कि इसका आलेख खींचिए, है ना, y बराबर 5x के लिए क्या करना है आपको, आलेख खींचना है ना। तो बेटा इसके लिए क्या करेंगे, देखो आलेख खींचने के लिए दो बिंदु चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, है ना। तो देखो x बराबर अगर आपने 0 रखा, है ना, तो y बराबर क्या है, 5x, तो 5 गुणा 0 तो बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो एक बिंदु तो 0 0 हो गया, यानी x बराबर 0 है तो y बराबर भी क्या है, 0 है, ठीक है ना। और अगर y बराबर 0 रख दोगे तो 5x बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर भी 0 आ गया, तो वही सेम चीज़ आ गई नहीं आ गई। लेकिन अपने को तो अलग बिंदु चाहिए कि नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए बेटा, अलग बिंदु चाहिए, है ना। तो x बराबर क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे, तो x बराबर मैंने रखा 1 रखा, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 1, तो y का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो दूसरा बिंदु क्या हो गया, x बराबर 1 रखने पर y का मान क्या हो रहा है, 5 हो रहा है ना। तो अब इन दो बिंदुओं से क्या खींच देंगे, हम ग्राफ खींच देंगे, है ना। देखो बेटा इसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो मैंने देखो ये मेरे पास एक ग्राफ है, इसके द्वारा मैं इसको करता हूँ, ठीक है ना। इस ग्राफ को ड्रॉ करूँगा मैं अभी, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें ये वाली जो रेखा है इसको मैंने ऐसे कर दिया, बीचों बीच मान लिया, ठीक है, ये खींच दी मैंने, और एक में ये खींच देता हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा इधर क्या हो गया, प्लस एक्स डायरेक्शन हो गई, इधर माइनस एक्स हो गई, है ना, इधर प्लस वाई हो गई और इधर क्या हो गई, माइनस वाई हो गई, ठीक है। देखो ये मैंने आपको ग्राफ बना दिया, ठीक है ना। अब देखो बेटा इसमें ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, y बराबर 1,
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। अभी इसको देखो टेन तक की जरूरत पड़ेगी, अब तक नहीं पड़ी ना आपके, माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट है ना, बस इतना ही ले लो आप, है ना बेटा। अच्छा अब देखो दो बिंदु क्या थे हमारे, दो बिंदु कौन कौन से थे, ये रहे, एक तो था जीरो जीरो और दूसरा बिंदु क्या है एक पाँच, है ना। एक तो है जीरो जीरो, जीरो जीरो है और दूसरा क्या है एक कॉमा पाँच, है ना। ये दो बिंदु मुझे ड्रॉ करने हैं। तो देखो जीरो जीरो तो यही है, ये मूल बिंदु हो गया, है ना, जीरो जीरो तो यही है। दूसरा है एक्स पे एक चला और फिर वहाँ से वाई पे पाँच चला, तो एक्स पे एक चलने का मतलब यहाँ पहुँच गया और फिर यहाँ से फिर वाई पे पाँच चलूँगा, एक दो तीन चार पाँच यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या हो गई बताओ, ये दूसरा बिंदु हो गया, है ना। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई मैं क्या खींच दूंगा, एक रेखा खींच दूंगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई मैंने क्या कर दी, एक रेखा खींच दी, ठीक है ना। इस तरह से इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई मैंने एक रेखा खींच दी, ठीक है, यस। तो ये किसका आलेख हो गया बताओ, ये बेटा उसका वाई इक्वल टू फाइव एक्स था ना समीकरण आपका, आपका समीकरण क्या था बताओ, वाई इक्वल टू फाइव एक्स जो समीकरण था उसका आलेख हो गया ये, है ना, वाई इक्वल टू फाइव एक्स का आलेख हो गया ये, है ना। अच्छा अब देखो जो दो प्रश्न और दे रखे थे ना इसने, ये देखो ध्यान से, है ना, क्या था, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इस कथन को दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करो, तो हमने कर दिया ना y बराबर फाइव एक्स, है ना, और अचर बल पांच मात्रक लेकर आलेख खींचे, ये भी खींच दिया हमने, है ना। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी दो मात्रक हो और पांच मात्रक हो तो आलेख द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो देखो दूरी दे रखी हमको दो मात्रक, उसके लिए कार्य पूछ रहा है। तो देखो इधर एक्स डायरेक्शन में तो क्या है, दूरी है कि नहीं है, इधर की तरफ क्या है दूरी है, है ना, ये एक्स अक्ष पे क्या है दूरी है और इधर वाई अक्ष पे क्या है बताओ, ये कार्य है, है ना। वाई क्या है हमारा कार्य है और एक्स क्या है हमारी दूरी है, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है फर्स्ट, जब एक्स बराबर कितना है दो मात्रक है, है ना, तो वाई का मान पूछ रहा है आपसे। सेकंड में जब एक्स का मान क्या है जीरो मात्रक है, है ना, तब आपसे वाई का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो बेटा एक्स पर दो मात्रक है ना, तो एक्स पर दो मात्रक का मतलब यहाँ पे, अब यहाँ पे जब दो है तो दो के करेस्पॉन्डिंग वाई का मान कितना है वो ही कार्य होगा। तो देखो दो के करेस्पॉन्डिंग वाई का मान क्या होगा बताओ, ये यहाँ पे आ गया, आगे नहीं आ गया इस जगह पे। तो ये दो के संदर्भ का बिंदु वाई पे क्या मिल रहा है, दस मिल रहा है, है ना। तो ये बिंदु हो गया वो, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है दो कॉमा दस, ठीक है ना। तो जब एक्स का मान दो इकाई है तो वाई का मान कितना हो जाएगा, दस इकाई हो जाएगा। तो फर्स्ट में जब एक्स बराबर क्या है दो इकाई है तो y कितना हो जाएगा 10 इकाई, तो कार्य कितना हो गया 10 इकाई हो गया, ठीक है ना। फिर सेकंड में क्या है, जब x का मान 0 है तो जब देखो जब x का मान 0 है तो y बराबर भी 0 ही है ना। जब x का मान क्या है, है ना, जब x बराबर 0 है तो y बराबर भी क्या है 0 है। तो जब दूरी 0 है ना, दूरी बराबर 0 है तो कार्य बराबर भी क्या हो गया 0 हो गया। जब दूरी 2 इकाई है, है ना, दो जब दूरी कितनी है दो इकाई है तो कार्य कितना हो गया 10 इकाई हो गया, ठीक है ना। तो ये हमने किससे सूत्र से नहीं निकाला ना, ये आलेख के द्वारा निकाला है, ठीक है ना। तो सूत्र की सहायता से डायरेक्ट निकल जाता ना, वाई बराबर क्या था आपका 5x था, तो जब x बराबर 2 रखोगे, है ना, तो y बराबर 5 इंटू 2 तो y बराबर 10 आ गया नहीं, तो ये तो सूत्र के साथ, लेकिन आलेख से भी वही मान आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पर, है ना। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहना चाह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 7 देखें अपन। अब आप
इसमें है बेटा कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए, है ना, दो लड़की हैं, एक का नाम है, कक्षा 9 की छात्राएं हैं, एक का नाम है यामिनी, है ना, एक का नाम है यामिनी और दूसरी का नाम क्या है, फातिमा, ठीक है ना बेटा। ये दो कक्षा क्लास 9 की स्टूडेंट्स हैं ये, ठीक है ना। तो इन दोनों ने भूकंप पीड़ित जो अर्थक्वेक विक्टिम्स होते हैं, भूकंप को क्या बोलते हैं बेटा, अर्थक्वेक, है ना, अभी बढ़ाया था ना मैंने सुनामी वाला पार्ट, अर्थक्वेक, और पीड़ित को क्या बोलते हैं, विक्टिम, VICTIM, पीड़ित, ठीक है ना, भूकंप पीड़ित अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए की सहायता के लिए, उनकी हेल्प के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष, है ना, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपये का अंशदान दिया दोनों ने मिला के, यानी इसने, यामिनी ने और फातिमा ने दोनों ने मिला के 100 रुपये का दिया है। अब ये नहीं पता कि यामिनी ने कितना दिया और फातिमा ने कितना दिया है, बस ये पता है कि टोटल दोनों ने 100 रुपये दिए हैं। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो, आप उनका अंशदान रुपये एक्स और रुपये वाई मान सकते हो। तो यामिनी का एक्स रुपये अंशदान मान लिया और फातिमा का वाई रुपये अंशदान मान लिया, है ना। तो अब इन दोनों को उपयोग करके एक हमको रैखिक समीकरण निकालना है, सिंपल, यानी दोनों को मिला के 100 रुपये, इन दोनों ने कुल मिला के 100 रुपये दिए हैं, तो क्या समीकरण बन गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। आ गया ना समझ में, यही क्या है बेटा, इसका एक समीकरण है, ठीक है ना। तो एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। आप उनका अंशदान x और क्या मान सकते हो, y मान सकते हो, x रुपये y। इस समीकरण का आलेख खींचिए। अब आपसे इसका क्या खिंचवाना चाह रहा है, इसका आलेख भी आपसे ड्रॉ करवाना चाह रहा है ना बेटा। तो देखो, आलेख के लिए क्या चाहिए, दो बिंदु चाहिए, नहीं चाहिए आपको, है ना, उन दोनों बिंदुओं को मिला दोगे तो आलेख खिंच जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखो, अब ये समीकरण क्या है आपका, x प्लस y इक्वल टू 100। तो देखो बेटा, एक बार x बराबर 0 रख दो, है ना, तो y बराबर क्या आ रहा है बताओ ना, ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस y इक्वल टू क्या हो गया, 100। तो y बराबर क्या आ रहा है, 100। तो x बराबर 0 पे y बराबर क्या मिल रहा है, 100। तो बिंदु क्या हो गया, 0, 100। तो एक बिंदु तो ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा y बराबर 0 रख दो, है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस y इक्वल टू 100 है, तो x प्लस 0 इक्वल टू 100। तो x बराबर क्या आ गया, 100 आ गया, है ना। तो x बराबर 100 और y बराबर क्या आ रहा है, 0। तो ये दो बिंदु हो गए, एक तो 0 100 हो गया और एक 100 0 हो गया, है ना। आप दूसरे भी कर सकते हो, है ना, कैसे, देखो, अगर ये है ना बेटा समीकरण आपका, x प्लस y इक्वल टू 100 है, तो x बराबर आप 40 लोगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर, देखो, x प्लस y बराबर क्या है, 100। तो ये हो गया 40 प्लस y इक्वल टू 100, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 40, तो y बराबर क्या आ गया, 60, है ना। ये भी ले सकते हो आप, है ना, तो कुछ भी ले सकते हो आप, आई ना बात समझ में। तो अब बेटा हमको क्या करना है ना, समीकरण ड्रॉ करना है ना, क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे, ठीक है ना। तो देखो बेटा, इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, है ना, ऐसे समझो, देखो ये मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक है ना, क्योंकि इधर 100 चाहिएगा मुझे, ऊपर की 100 तरफ चाहिए और इधर की तरफ भी क्या चाहिएगा, 100 चाहिएगा। देखो, इस बिंदु को मैंने 0 0 ले लिया, 0 0, है ना। तो देखो, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, 30 40 50 60 70 80 90 100, है ना, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ऐसे देखो इधर की तरफ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है ना। तो इधर की तरफ क्या है, वाई है, और इधर क्या है बेटा आपका, एक्स है ना। ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100, है ना। तो देखो, क्योंकि अब पहला बिंदु क्या है, 0, 100 है, है ना। तो x पे 0 चले और y पे फिर वहाँ से कितना चले, 100 चले। तो x पे 0 चलने का मतलब तो ये रहा, और y पे फिर यहाँ से 100 चल रहे, तो y पे प्लस के 100 ऊपर की तरफ पहुँचेंगे ना, तो 100 कहाँ, ये रहा। तो एक बिंदु तो ये है आपका। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है बताओ,
इसके हैं 0, 100, ये माना ए बिंदु है आपका, ठीक है ना। दूसरा क्या है बेटा, 100, 0, तो x पे 100 चले और फिर y पे कितना चले, 0 चले। तो x पे 100 चलने का मतलब पॉजिटिव x में इधर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पहुँच गए, और y पे 0 चले का मतलब क्या है, y पे चले ही नहीं तो यहीं रह गए, नहीं रह गए, तो ये दूसरा बिंदु हो गया आपका। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है बेटा, इस बिंदु के निर्देशांक हैं 100, 0। इसके तो क्या थे, 0, 100, इसके क्या हो गए, 100, 0। तो एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दो आप, रेखा खींच दो, तो ये आलेख बन गया इसका, ठीक है ना। तो यामिनी और फातिमा का जो समीकरण था क्या था बेटा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 था ना, उसको आपने ये मिला दिया, तो ये उसका क्या बन गया, आलेख बन गया है ना। तो इस समीकरण का सूत्र क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है, यही इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। अच्छा अब इसका, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। देखो बच्चों क्या कहना चाह रहा है बेटा ये, इसमें ये कहना चाह रहा है, अमेरिका और कनाडा है ना, ये रहा देखो, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फारेनहाइट में नापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है ना, यानी सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे होता है ना बेटा, एक्स और वाई में है, तो अगर एक्स का मान दे रखा है तो वाई निकाल सकते हैं, और वाई का मान दे रखा है तो एक्स का मान निकाल सकते हो। तो ऐसे ये समीकरण किस किस में है, एफ में और सी में है, तो अगर सी दे रखा है तो एफ निकाल लोगे, और एफ दे रखा है तो सी निकाल लोगे, सीधी सी बात है ना। अब इसके पांच ये हैं है ना, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सेल्सियस को एक्स अक्ष और फारेनहाइट को वाई अक्ष पर मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए, है ना। इसका क्या खिंचवाना चाह रहा है बेटा हमसे, आलेख खिंचवाना चाह रहा है। तो आलेख के लिए दो बिंदु चाहिए नहीं कहीं, तो इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले दो बिंदु निकाल लेंगे सबसे पहले तो हम, ठीक है ना, उनसे, और उनको मिलाते हुए क्या खींच देंगे, आलेख खींच देंगे, है ना। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि तापमान 30 डिग्री है तो फारेनहाइट में तापमान कितना होगा, तापमान 95 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान कितना होगा, है ना। तापमान 0 डिग्री है तो फारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और तापमान 0 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा। फिर कह रहा है क्या कोई ऐसा तापमान है जो फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक है, क्या है, समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए, है ना। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी इसको हम कर लेते हैं, है ना। तो देखो बेटा क्या कहना चाह रहा है ये, सबसे पहले तो मैं इस समीकरण को लिख लेता हूँ जो हमें रिलेशन दिया हुआ है ना इन दोनों के बीच में, है ना, सेल्सियस और फारेनहाइट की, है ना। तो देखो F का क्या है बेटा, F बराबर है 9/5C प्लस 32, है ना, 9/5C प्लस 32, ठीक है। अब पहली चीज़ तो क्या कह रहा है बेटा, इसको एक्स अक्ष पे तो फारेनहाइट को लेना, और वाई अक्ष पे किसको लेना है, सेल्सियस को लेना है, है ना। सेल्सियस को एक्स अक्ष पे लेना, फारेनहाइट को वाई अक्ष पे लेना, और उनको आलेख खींचना है ना। तो देखो सबसे पहले तो क्या चाहिए बेटा, एक वो चाहिए हमें, है ना, दो बिंदु चाहिए, है ना। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, इसके नीचे मैंने एक लगा लिया, है ना। तो ये एफ बराबर क्या हो गया, 5 लघुत्तम हो गया ना इसका, तो ये हो जाएगा 9C प्लस, एक का भाग दिया 5 में 5 बार कर, 5 को 32 से गुणा करो, 5 2 10 हासिल की, 1 5 3 15 1 16, और इसके नीचे एक लगा लिया। अब वज गुणा करेंगे तो 5f बराबर 1 को इससे करोगे तो यही आ जाएगा, 9c प्लस 160, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा इसमें आप दो बिंदु निकाल सकते हो ना आराम से, तो C बराबर अगर आप 0 रखते हो, C बराबर क्या रखते हो, 0 रखते हो, तो F कितना हो जाएगा बताओ, तो 5F बराबर क्या हो गया, 9 × 0 + 160, तो 9 × 0 कितना होता है, 0 ही होता है ना, प्लस 160, तो 0 + 160 हो गया, और इधर क्या है 5F, तो F बराबर क्या हो गया, 160/5, देखो 5 3 15, 1 बचा 10, तो 32, तो F बराबर क्या आ गया, 32 आ गया। तो एक बिंदु तो ये मिल गया आपको, क्या मिला बेटा देखो, क्योंकि x अक्ष पे किसको लेना है, सेल्सियस को लेना, तो पहले सेल्सियस लूँगा, तो x C बराबर 0 है, तो F बराबर क्या मिल रहा है, 32 मिल रहा है। तो एक बिंदु तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा बिंदु ले लेते हैं, है ना, दूसरा बिंदु हम ले लेते हैं बेटा, अगर F बराबर 0 है, तो देखो इसमें
f बराबर क्या ले लेते हो आप, इसको जीरो ले लेते हो, है ना। तो f बराबर अगर आप जीरो लेते हो तो ये जीरो हो जाएगा, 5 गुणा एफ, तो 9c बराबर क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा, है ना। तो लेकिन इसमें जब इसमें भाग दोगे तो पॉइंटों में आएगा, ये किस में आएगा बेटा, पॉइंटों में आएगा। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देखो f बराबर जीरो रखा तो 5 गुणा जीरो बराबर क्या है, 9c प्लस 160, तो ये हो गया जीरो 9c प्लस 160। तो इधर 9c रखूंगा तो इधर की तरफ क्या हो गया, माइनस के 160 हो गए, है ना। इधर की तरफ क्या हो गया, माइनस के 60। तो c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 160 में किसका भाग लग गया, 9 का। तो c बराबर क्या हो गया, देखो माइनस 9 एकम 9, कितने बचे, 7, 70, है ना। तो 70 के लिए क्या होगा, 9 7 63, 7 बचे, है ना, फिर 70 हो गए, 9 7 63, फिर 70, ये आ गया। तो c बराबर क्या आ गया, माइनस 17.8 लिख देता हूँ इसको मैं, है ना। क्या लिख दिया मैंने, माइनस के 17.8 आ गया, ठीक है ना, माइनस के 17.8 आ गया। तो देखो इसमें c बराबर क्या है, माइनस के 17.8 है, और f बराबर क्या है, जीरो है, है ना, f बराबर क्या है, जीरो। तो ये भी हो गया। दूसरा देखो, इसको ऐसे भी ले सकते हैं अपन, है ना। क्या था बेटा ये, f बराबर था आपका 9/5c प्लस 32, है ना। तो अगर देखो बेटा कि इसमें क्या था, ये तो ठीक था, c बराबर जीरो लेने पे f बराबर कितना मिल रहा है आपको, 32 मिल रहा है, ठीक है ना। अगर आप c बराबर क्या ले लेते हो, c बराबर आप 5 ले लेते हो, ऐसे समझो आप, है ना। तो देखो 5 से 5 कट जाएगा ना, तो 9 प्लस 32 आ गए, नहीं आ गए, 41 आ जाएंगे फिर ये, है ना। ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना। देखो c बराबर क्या रखा आपने, अगर 5 रखते हो आप, है ना, तो ये f बराबर क्या हो जाएगा, 9/5 × 5 प्लस 32, है ना। तो 5 से 5 कट गया, 32 और 9 कितने हो गए, 41। तो दूसरा बिंदु क्या हो गया, 5, 41, ये बिंदु हो गया। तो ये ले लो, माइनस 17.8, 0 ले लो, या 5, 41 ले लो, बात एक ही है, ठीक है ना। अब इसका क्या कह रहा है, ये ग्राफ खींचना है आपको, है ना बेटा, इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो मैं इस पर ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, है ना। ये देखो बेटा, इस पर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये इधर एक्स अक्ष पे क्या लेना है, सेल्सियस लेना है, और वाई अक्ष पे क्या लेना है बताओ, वाई अक्ष पे हमको फारेनहाइट लेना है, वाई अक्ष पे फारेनहाइट लेना है। तो ये 10 20 30 40 50 60 70, इधर -10 -20 -30 -40 -50 -60, इधर 10 20 30 40 50 60, है ना। इधर की तरफ -10 -20 -30 -40 -50 -60, है ना। देखो x अक्ष पे क्या है, सेल्सियस में है, है ना, और y अक्ष पे किस में है, फारेनहाइट में है, है ना, y अक्ष पे किस में है, फारेनहाइट में है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बिंदु क्या थे बेटा, ये था पहला बिंदु, तो 0, 32, है ना, यानी सेल्सियस 0 है तो फारेनहाइट कितना है, 32 है। तो देखो बेटा सेल्सियस 0 है तो ये रहा, और फारेनहाइट 32 पे कहाँ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना लगभग, ये रहा। तो एक बिंदु तो आपका ये रहा, ठीक है। दूसरा बिंदु आप ये वाला ले लो, 5, 41 ले लो, कौन सा ले लो बेटा, 5, 41 ले लो, या ये -17.8, 0 ले लो, है ना। तो देखो x पे कितना है, x अक्ष पे माइनस के 17.8, और y पे कितना है, 0 है। तो देखो -17.8 कहाँ होगा, यह -20 से पहले होगा कि नहीं होगा, तो ये -10 और ये -20, तो -17.8 यहाँ पे हो गया लगभग, है ना। तो ये बिंदु, ठीक है ना, तो एक बिंदु ये आ गया, एक बिंदु ये आ गया, इन दोनों को क्या कर दिया आपने, मिला दिया। तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है ना बेटा। तो ये समीकरण क्या है बताओ इसका, वही f बराबर क्या था, 9/5c प्लस 32। इस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, इसके थे 0, 32। इसके निर्देशांक क्या हैं, -14
0.8, 0, ये बिंदु A मान लिया आपने, इस बिंदु को B मान लिया, तो ये क्या कर दिया हमने बेटा, ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, आसान। अच्छा अब इसमें देखो, 5 क्वेश्चंस थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया ना आपका, देखो सेल्सियस को x अक्ष पर और फारेनहाइट को y अक्ष पर मानकर रैखिक समीकरण का आलेख खींच दिए, तो ये आलेख खींच दिया हमने। दूसरा है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है ना, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, तापमान कितना है, है ना 30 डिग्री सेल्सियस, यानी C बराबर 30 डिग्री है ना, तो F पूछ रहा है ना, F का मान इससे, अब देखो आलेख से भी निकाल सकते हो, आलेख एक्चुअली में तो ये चाहता तो क्या है आपको, आलेख से ही निकलवाना चाह रहा है, लेकिन आप ऐसे भी इससे सूत्र की सहायता से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो क्योंकि वो आलेख के लिए फिर आपको किस पर, ग्राफ पर ड्रॉ करना पड़ेगा उसे, है ना। देखो इसमें सी रख दो, सी बराबर कितना 30 रख दो, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 9/5 × 30 + 32। ठीक है ना, देखो 5 से 5 6 की 30, तो 9 6 की कितने हो गए 54 + 32। ठीक है ना, तो 2 और 4 6, और ये तो क्या गया 86 फारेनहाइट हो गया, है ना। तो सी 30 डिग्री अगर लोगे आप, तो फारेनहाइट कितना आ गया 86 आ गया, तो C बराबर 30 पे F कितना आ गया 86 आ गया, ये आंसर हो गया आपका सेकंड पार्ट का। ये किसका हो गया बेटा, सेकंड पार्ट का आंसर आपका हो गया। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये कहना चाह रहा है कि यदि तापमान 95 डिग्री फारेनहाइट है, तो सेल्सियस में तापमान पूछ रहा है। अब F दे रखा है आपको, F कितना दे रखा है 95, तो C का मान पूछ रहा है ना, तो इस सूत्र में F 95 रख दो, सीधी सी बात है ना, इस वाले में तो क्या है, देखो 95 बराबर 9/5 C + 32, है ना, इसके नीचे एक रखा है ना, तो 95 बराबर क्या हो गया बेटा 9C + 1 का भाग दोगे 5 में, 5 बार चला जाएगा, है ना, देखो इसके नीचे 5 लघुत्तम आ गया। ठीक है ना, तो 5 का दिया 5 में 1 बार, 1 को 9C से किया 9C आ गया, 1 का भाग दिया 5 में 5 बार, 5 को 32 से करो क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा, और इसके नीचे क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है ना बेटा, तो देखो अब इनको वज्जगुणा कर दो, 5 25 हासिल की 2, 5 45 और 2 47 बराबर क्या हो गया 9C + 160, तो इधर 9C और इधर क्या हो जाएगा 475 में से क्या घटा दो 160 घटा दो, तो 9C बराबर 475 में से 160 घटाओ, देखो 5 में से 0 घटाया तो 5, 7 में से 6 घटाया तो 1, और ये 315, तो C बराबर क्या जाएगा 315 में किसका भाग दे दो 9 का भाग दे दो। ठीक है ना, तो देखो कितना आ गया बेटा 9 × 27, है ना, कितने बचे 9 × 27 कितने बचे 4 45, 9 × 36, है ना, और 9 × 27 है ना, तो कितने बचे 4 9 × 5 45 35 आ गया, सीधी सी बात है, तो सी कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। तो जब F कितना है, F आपका 95 डिग्री फारेनहाइट है, तो C का मान कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, तो जब F का मान कितना है 95 डिग्री फारेनहाइट है, तो C का मान कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस आ गया, है ना। तो ये आलेख से भी निकाल सकते हो आप, किससे निकाल सकते हो, लेकिन वो बड़ा आलेख खींचना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है ना, अब इसके बाद में फिर क्या है बेटा, अगला उस पर ले लेता हूँ मैं, अगले पेज पे अगले पेज पे ले लिया मैंने, अब इसका पार्ट है 4। फोर पार्ट में क्या कह रहा है देखो, ये यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फारेनहाइट में तापमान क्या होगा, है ना। तो देखो पहले सूत्र लिखा मैंने, F बराबर क्या है 9/5 C + 32। ठीक है ना, अब ये क्या कह रहा है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, तो C बराबर 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, तो फारेनहाइट में तापमान कितना होगा, तो F पूछ रहा है, तो 32 आ जाएगा ना, है ना। देखो इसमें C 0 रख दो, तो F क्या हो जाएगा 9/5 × 0 + 32, तो ये 0 हो जाएगा ना, तो F बराबर क्या हो गया 0 + 32, तो F बराबर कितना आ गया 32 डिग्री आ गया। ठीक है ना, तो C बराबर 0 के लिए F कितना आ गया 32 आ गया। ठीक है, और क्या कह रहा है,
यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में पूछ रहा है। अब इसमें क्या था, सी बराबर 0 था तो एफ पूछा, एफ बराबर 32 निकल गया। अब कह रहा है एफ 0 है तो सी निकलवाना चाह रहा है, निकाल देंगे फट से, है ना। तो एफ अगर 0 है ना, उसमें भी निकाला था ना अपने जब आरेख खींचा तब भी निकाला था इसको, है ना। तो एफ बराबर क्या है, 9/5c + 32। तो एफ बराबर 0 है तो सी का मान पूछ रहा है, 9/5c + 32। तो देखो इधर 9/5c हो जाएगा, है ना, और ये प्लस के 32 इधर आके इसके हो जाएंगे माइनस के 32 हो जाएंगे, इसके नीचे एक रख लिया, है ना। तो देखो 5 को किससे हो जाएगा, -32 को किससे गुणा कर दिया, 5 से, और एक को कर देंगे 9c से, ठीक है ना। तो 9c बराबर क्या हो गया, माइनस के 32 × 5। तो सी बराबर क्या आ जाएगा, -32 × 5/9 ना, कटेगा तो है नहीं है, देखो गुणा कर लिया, 2 × 5 = 10 = 160 आता है ना, तो -160/9। देखो 9 का भाग दिया, 9 एकम 9, माइनस में आएगा 14 पॉइंट समथिंग निकाला था ना अपन ने, कितना निकला, 14.8 आया था, कितना आया था बेटा, है ना। तो देखो 9 एकम 9 कितने बचे, 7 बचे, 70 हो गए, तो 14 नहीं 17 पॉइंट था, हाँ वो गलत लिख दिया था बेटा, है ना, 17.8 था वो, 14.8 नहीं है ये था ना बेटा। देखो यहाँ पे किया ना अपन ने, 9 एकम 9, है ना, तो कितने बचे, 7 बचे, 70 हो गए, तो 9 7 9 7 63, है ना। फिर कितने बच गए, 7 बच गए, 70, 9 7 9 7 63 9 7 63 हो जाएगा -17.8। तो ये 14.8 कर दिया था ना यहाँ पे, ये गलत, 14.8 नहीं, क्या है बेटा ये 17.8 है, क्या है ये 17.8। देखो इसमें यहाँ निकाला था ना अपन ने, हाँ 17.8 ही था, वो लिखने में वहाँ पे गलती कर दी थी इसकी, है ना, उसमें लिखने में 14.8 लिख दिया था उसको। तो कितना आ गया, है ना, जब एफ बराबर 0 है तो सी बराबर कितना आ गया, माइनस के 17.8 आ गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, इसका फिफ्थ पार्ट, क्या कोई ऐसा भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक रूप से क्या हो, समान हो, कि जब F और C दोनों क्या हों, बराबर हों, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए, है ना। देखो जब F और C को बराबर कर दो तो F बराबर क्या है, 9/5c + 32, है ना। तो C को F लिख दो या F को C लिख दो, आई ना बात समझ में, है ना, क्योंकि खुद कह रहा है कि दोनों क्या हों, संख्यात्मक रूप से बराबर हों, तो F को C लिख दो या C को F लिख दो, है ना। तो माना जैसे इसको मैंने C लिख दिया तो ये क्या हो गया, 9/5c + 32, है ना, इसके नीचे एक लगा लिया, 5 लघुत्तम आ गया, तो ये हो गया 9c और ये हो जाएगा 160, बराबर क्या है C, इसके नीचे एक, अब इसका वर्ग गुणा करोगे तो 5c = 9c + 160, ठीक है ना। देखो 9c और प्लस के 5 इधर आके किसके हो गए, माइनस के 5, और प्लस के 160 इधर आके किसके हो गए, माइनस के 160 हो गए, है ना। तो देखो इधर हो गए माइनस के 160 और ये क्या हो गए, 4c, है ना। तो 4c = -160, सी बराबर क्या हो गया, -160 में 4 का भाग दोगे तो -40, है ना। तो सी बराबर एफ बराबर -40। तो अगर -40 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस भी कितना होगा, -40 ही होगा। तो -40 के लिए क्या बेटा, दोनों की वैल्यू क्या होती है, समान होती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई, है ना। अच्छा बहुत दिन हो गए ना वो लिखे हुए, फॉर वंस ओन सेल्वेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है बच्चों, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।